अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, सो हम आज पढ़ेंगे न्यूटन रॉफसन मेथड। इसे हम न्यूटन मेथड भी कहते हैं, इसे हम मेथड ऑफ टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 2 है और इसे हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। अब इसका वर्किंग रूल है, हमने वर्किंग रूल में इतने थ्योरी में नहीं जाना, हमने सिंपली याद करना है। हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमने उस क्वेश्चन का जो है डेरिवेटिव फार्मूला दिखा दूँगा आपको स्टार्ट में। इसमें क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला है, जनरल फार्मूला। ये करते क्या है, हम पहली आइट्रेशन निकालने के लिए जो वैल्यू दी है उस वैल्यू का, मतलब उस वैल्यू को फंक्शन पुट करके, और उस वैल्यू का हमने फिर लेना है क्या कहते हैं डेरिवेटिव। और मतलब कि हमने इस तरीके से ये फार्मूला है कि मतलब एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगी कि एक्स ज़ीरो इनिशियल वैल्यू माइनस एफ इंटू एक्स ज़ीरो और एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसको माइनस कर देना है एक्स ज़ीरो मतलब इनिशियल वैल्यू से। अभी हम थ्योरी को तो मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट दे रही हूँ आपको मैं, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो आप उस पर न्यूटन रॉफसन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें, आप यहाँ से दिखाते हो, देखें हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो ओवर में आ रहा है। तो अगर समथिंग ओवर ज़ीरो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने ये ट्राई करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन हो उसमें चेक कर लेना है कि डेरिवेटिव जो है उस क्वेश्चन का वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर हम उस पर न्यूटन रॉफसन मेथड लगा सकते हैं। अगर वो ज़ीरो है तो फिर हम न्यूटन रॉफसन मेथड नहीं लगा सकते उस पर। ठीक हो गया, अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया ये वाला, उसने कहा इसको आप सॉल्व करें बाय यूजिंग न्यूटन रॉफसन मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें क्या है, हमारे पास हमने इसको लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2, फिर हमने इसका स्केयर लिया ताकि हम अंडर रूट खत्म कर सकें, और एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 उसको लिख दिया क्वेश्चन में बना के। हमने कह दिया कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, हमने कह दिया हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स है। अब हमने क्या किया, हमने कहा ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और हमने इसका लिए डेरिवेटिव फार्मूले के लिए हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, उसका डेरिवेटिव चाहिए। अब हमने फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस कॉन्स्टेंट 0 हो जाता है डेरिवेटिव में। हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा। अच्छा, फिर है हमने ये करना है, अब अपने फंक्शन में पुट कर करके वैल्यूज़ देखनी है और हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 0 के नीरेस्ट हो। हमारे 0 के नीरेस्ट जो वैल्यू है ना, हमने वो वैल्यू पिक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे 0 पुट किया, 1 पुट किया, सो ऑन पुट कर जाना जो वैल्यू 0 के करीब वो हमने वो लेनी, और वो हमने कहाँ रखनी है, वो हमने रखनी है हमारी इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ये एक्स 0 है इसीलिए हमने 0 के इक्वल या नीरेस्ट वैल्यू जो है हमने वो लेनी है। हमने फंक्शन में इसमें पुट करके देखा 0 हमारे पास माइनस 2 आया, हमने 1 पुट करके देखा हमारे पास माइनस 1 आया। माइनस 1 जो है अब तक के लिहाज से वो नीरेस्ट है 0 से, तो हमने माइनस 1 को रख दिया एक्स 0। ठीक हो गया, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, एफ ऑफ एक्स भी आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया और एक्स ज़ीरो भी आ गया। हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया पहली आइट्रेशन की, हमने लिखी इनिशियल वैल्यू 1 थी, हमारे पास फंक्शन क्या था लिख दिया, हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या था वो भी लिख दिया, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया। अब ये जो आंसर आया ना, ये हमारी बन गई एक्स 1 की वैल्यू। अब हमारे पास फार्मूला कैसे हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एक्स 2 के लिए एक्स 1 माइनस एफ डैश एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट आइट्रेशन में ये आंसर आया, हमने इसको यूज़ करते हुए सेकेंड आइट्रेशन निकाली, हमने थर्ड आइट्रेशन निकाली, हमने फोर्थ आइट्रेशन निकाली। ठीक है, और हमारे पास सेम फार्मूला यूज़ करते हुए, अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक्स 3 और एक्स 4 पे क्या हुआ कि हमारे पास वैल्यू क्योंकि चाहिए थी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जो है वो मैच हो गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिपीट कर देती हूँ, एक फार्मूला है, फार्मूले को याद रखना है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको याद रखना है, जनरल फार्मूला इसको याद रखना है आपने, बेशक इस तरीके से याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला के हिसाब से आपने इस पर काम करते जाना है। ये हमारी होगी इनिशियल वैल्यू जो 0 के नीचे होगी, फार्मूले में पुट करके आएगा, जो हमारे एफ ऑफ एक्स में पुट करके आएगी, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, एफ डैश ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, देखने में लग रहा होगा आप सॉल्व करके देखेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है,
इसमें थर्ड और फोर्थ इटरेशन में हमारे पास वैल्यूज जो थी अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस तक मैच होगी तो हमारा आंसर आ गया। अब इस वाला जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, फार्मूला हमारा क्वेश्चन ये था, हमने इसको अगर पुट करना है कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, हम लिख देंगे एक्स वन को वाई, एक्स जीरो को एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे और फिर कैलसी दबा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ये वैल्यू से सेव करते हैं मैंने इसका तरीका बताया हुआ है ऑलरेडी, वीडियो है आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा इस प्लेलिस्ट की तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू सेव वैल्यू इन कैलकुलेटर बाय लाइबा एंड आई।